तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल इंजरी के बेसिक इंट्रोडक्शन और कॉजेज ऑफ सेल इंजरी के बारे में, और ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी का सेकंड वीडियो होने वाला है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इंजरी से आप लोग क्या समझते हो? जैसे अगर हम लोग को इंजरी होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि इंजरी का मतलब हमें चोट लग गई या फिर हमें कुछ नुकसान वगैरह हो गया है ना, या हमारी बॉडी में कुछ भी डिफेक्ट हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि इंजरी हो गई हमें। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी के सेल में जब भी कोई इंजरी होती है, देखो वैसे तो कहने को बोलते हैं हम लोग कि हमारी बॉडी में इंजरी हुई है, पर अल्टीमेटली इंजरी हमारे सेल में ही होती है क्योंकि हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट सेल ही है। तो अगर हमें कहीं भी इंजरी हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारे सेल के अंदर ही इंजरी हो रही है। तो सेल इंजरी का बेसिक मतलब यही होता है कि जब भी सेल के इंटरनल या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस होते हैं, उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ होती है या फिर उसको कुछ भी नुकसान वगैरह हो जाता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे सेल इंजरी बोलते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ टिश्यूज विच फॉर्म्स ऑर्गन एंड सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी सिस्टम हैं, जो भी टिश्यू है, उन सबकी सबसे बेसिक यूनिट सेल ही है। अब देखो, यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, तो इसको पढ़ने से पहले अगर आप लोग सेल के बारे में नहीं जानते हो तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेना, क्योंकि इसमें यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे सेल इंजरी को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो सेल इंजरी इज डिफाइंड एज इफेक्ट ऑफ वैरायटी ऑफ स्ट्रेस दैट कॉज चेंजेस इन सेल्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यहाँ पे देखो, स्ट्रेस का मतलब क्या है? देखो, स्ट्रेस का मतलब आप कह सकते हो कि एक टाइप का प्रेशर कह लो या फिर कह लो टेंशन कह लो। जैसे हमें जब स्ट्रेस वगैरह होता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो उसी तरीके से जब सेल के ऊपर कोई भी स्ट्रेस पड़ता है, यानी कि उसके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, यानी सेल के अंदर की जो चीज़ें हैं और या फिर सेल के बाहर की भी जो चीज़ें हैं, तो अगर यहाँ पर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उसी को हम लोग यहाँ पर सेल इंजरी से डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, तो द सेल्युलर रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन वैरायटी ऑफ फैक्टर्स एंड ऑल्सो द सेल इंजरी कैन बी आइदर रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल। यहाँ पे देखो, एक चीज़ समझना आप लोग कि जैसे जो हमारी सेल है तो उसके ऊपर अगर हम लोग हल्का बहुत स्ट्रेस लगाते हैं तो उतना वो सह लेती है, मतलब उतना वो बर्दाश्त कर लेती है। जब वो स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तभी यहाँ पे सेल इंजरी में कन्वर्ट होता है, और सेल इंजरी भी यहाँ पे दो टाइप की हो सकती है, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल। अब देखो, इस चीज़ को ना आप लोग बिल्कुल इस फ्लो चार्ट से समझो और बहुत आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। बस इस फ्लो चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो, जैसे हमारी कोई भी नॉर्मल सेल है, अभी नॉर्मल कंडीशन में कुछ भी दिक्कत उसको नहीं हुई है, अब अगर मान लो उस पर जो है मॉडरेट सा स्ट्रेस लग रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, हल्का बहुत है, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, सबसे पहले सेल अपने आप को करती है अडेप्ट। यानी कि देखो, इसको थोड़ा ऐसे समझो कि जैसे हम ही लोग हैं तो हम लोग को कोई परेशानी होती है तो थोड़ा बहुत होती है तो उतना तो हम लोग सह लेते हैं, जब बहुत ज़्यादा होती है तभी हम लोग को थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। तो जैसे अगर सेल को थोड़ा बहुत स्ट्रेस लग रहा है, थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ रहा है, तो उतने पे वो अपने आप को थोड़ा सा उस तरीके से अडेप्ट कर लेती है, यानी कि उसके हिसाब से स्ट्रेस के हिसाब से ढाल लेती है। अब देखो, अडेप्टेशन में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो इनके बारे में काफ़ी डिटेल में भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी देखो, यहाँ पे सिंपली आप लोग समझ गए कि अगर नॉर्मल स्ट्रेस है तो सेल यहाँ पे अडेप्ट कर लेगी अपने हिसाब से, उसको उतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे हाई स्ट्रेस पड़ रहा है, यानी कि जो हमारी नॉर्मल सेल है, अगर मान लो उसी पे डायरेक्टली हमारा हाई स्ट्रेस पड़ रहा है, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे सेल इंजरी के केस में चली जाएगी, यानी कि उस पर इंजरी हो जाएगी। या फिर अगर अडेप्टेशन में ही जाने के बाद, यानी कि देखो पहले क्या हुआ कि हल्का सा स्ट्रेस पड़ा तो सेल यहाँ पे अडेप्ट हुई, अब अगर अडेप्ट होने के बाद और ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता ही जा रहा है तो उसके बाद वो भी मतलब फिर से यहाँ पे सेल इंजरी के केस में चली जा सकती है। तो सेल इंजरी यहाँ पे देखो नॉर्मल से डायरेक्टली भी हो सकती है या फिर अडेप्टेशन के बाद भी हो सकती है। अब ये जो हमारी सेल इंजरी है, ये भी फर्दर यहाँ पे दो टाइप से डिवाइड हो सकती है, पहली होती है इररिवर्सिबल, दूसरी होती है रिवर्सिबल। अब देखो, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल आप लोग वर्डी से समझ रहे होंगे। रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि जो कि रिवर्स हो सकती है, यानी कि दोबारा से सही हो सकती है। तो यहाँ पे देखो, मान लो अगर हमारी नॉर्मल सेल है और उसको थोड़ा सा हाई स्ट्रेस मिला तो वो सेल इंजर्ड हो गई, लेकिन अगर ये स्ट्रेस दोबारा से रिमूव हो जाए तो यहाँ पे वो क्या होता है, दोबारा से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि इस केस को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल स्टेट। लेकिन अगर हमारा जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब एक्सट्रीम लेवल का है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल यहाँ पे इररिवर्सिबल सेल इंजरी में चली जाती है, जहाँ से दोबारा से हमारी जो सेल है वो सही नहीं होती है बल्कि उसकी डेथ हो जाती है। देखो, इसको ना बिल्कुल आप लोग इस रबड़ वाले एग्जांपल से समझो। जैसे देखो, यहाँ पे मान लो अभी जैसे हम इस पर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, तो ये देखो हमारा एक थोड़ा सा ज़्यादा ही है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है कि स्ट्रेस को अगर हम लोग रिमूव करें तो क्या होगा, दोबारा से रबड़ अपनी वापस पोजिशन में आ गया, तो इस केस को हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल इंजरी।
और अगर हम लोग इस रबर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएं, है ना, बहुत ज़्यादा, कि मतलब इसको खींचे ही जा रहे, तो एट लास्ट में देखो क्या होगा, एट लास्ट में हमारा रबर जो टूट जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस लगाना पड़ा, बट एट लास्ट में टूट गया। तो ये देखो, ये हमारा हो गया इरिवर्सिबल, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि सेल के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस लग गया कि सेल जो है डेथ ही हो गई, यानी उसकी, तो उसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अब इसके भी यहाँ पे दो टाइप होते हैं, पहला होता है नेक्रोसिस और दूसरा होता है एपोप्टोसिस। अब इन सब के बारे में भी हम लोग बाद में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, बाकी एक बेसिक आइडिया तो आप लोग को सेल इंजरी के बारे में लग ही गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने, सबसे पहले इन तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे कि जो हमारा एडेप्टेशन है या फिर जो हमारी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी है, तो इनकी थोड़ा सा एक बेसिक डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। जैसे बात करें हम लोग अपने सेल्युलर एडेप्टेशन के बारे में, द सेल्युलर एडेप्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एनी सेल टू सर्वाइव इन एनी अपोजिट और एडवर्स सिचुएशन, दीज आर द टेम्प्रेरी और परमानेंट चेंजेस इन द शेप, साइज और टाइप ऑफ सेल। यहाँ पे देखो क्या होता है कि सेल के ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेस लगा रहे हैं तो सेल अपने आप को उस स्ट्रेस के हिसाब से अडेप्ट कर लेती है। अब अडेप्ट कैसे करती है, देखो या तो वो अपना शेप चेंज कर लेती है, या तो साइज चेंज कर लेती है, या फिर अपना टाइप ही चेंज कर लेती है। अब ये देखो, ये टेम्प्रेरी भी हो सकता है, यानी हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए उसने किया हो और उसके बाद वो दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में चले जाए, या फिर कभी कभी ये परमानेंट भी हो जाता है। तो ये होता है हमारे यहाँ पे सेलुलर एडेप्ट। अब इसमें हम लोग यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो वही सारी चीज़ें, हमारा एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, तो इन सब के बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में, इफ़ द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द सेल इज माइल्ड टू मॉडरेट लेवल एंड देन आफ्टर सम टाइम व्हेन अप्लाइड स्ट्रेस इज रिमूव्ड, सेल्स रिकवर्ड बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रिवर्सिबल सेल इंजरी। यानी कि अगर हमारे सेल के ऊपर जो है माइल्ड से मॉडरेट लेवल का स्ट्रेस लग रहा है, और अगर हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम के बाद वो स्ट्रेस को हटा दें और सेल यहाँ पे दोबारा से अपने नॉर्मल स्टेट में रिकवर हो जाए, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी, यानी कि सेल यहाँ पे दोबारा से रिवर्स हो जाती है। और दूसरा हो जाता है हमारे यहाँ पे इरिवर्सिबल, इफ़ द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द सेल इज वेरी सीवियर लेवल देन इट मे लीड्स टू सेल डेथ एंड सेल्स नेवर रिकवर्ड बैक, देन दिस टाइप ऑफ फिनोमेना इज नोन एज इरिवर्सिबल सेल इंजरी। यानी कि अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, कि यहाँ पे मतलब सीवियर लेवल का है, कि सेल हमारी जो है दोबारा से रिकवर बैक ही नहीं हो जाती है और उनकी यहाँ पे अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, तो इस फिनोमेना को हम लोग इरिवर्सिबल सेल इंजरी बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे एक बेसिक टर्मिनोलॉजी तो समझ में आ ही गई होगी। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कॉजेज ऑफ सेल इंजरी के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने इटियोलॉजी या फिर कॉजेज ऑफ सेल इंजरी के बारे में। अब देखो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इटियोलॉजी हमारा क्या होता है, इटियोलॉजी हमारा होता है स्टडी ऑफ कॉजेज। तो अगर आप लोगों को कभी भी कॉजेज की जगह इटियोलॉजी देखने को मिले तो कन्फ्यूज नहीं होना है, इटियोलॉजी का मतलब भी कॉजेज ही होता है, कॉजेज मतलब रीजन, यानी किस वजह से हमारी सेल इंजरी हो रही है। तो यहाँ पे देर आर वैरायटी ऑफ कॉजेज और स्ट्रेस विच कैन कॉज सेल इंजरी, दे मे बी मेनली क्लासीफाइड इन टू टू क्लासेज। यहाँ पे देखो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको मेनली दो क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाता है हमारे यहाँ पे जेनेटिक, यानी कि जीन से रिलेटेड, और दूसरा हो जाता है हमारे यहाँ पे एक्वायर्ड कॉजेज, यानी इसके अलावा जो भी रीजन्स होते हैं, जैसे कि हमारा फिजिकल, केमिकल और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अपने जेनेटिक कॉजेज के बारे में। When cell injury occurs due to defect in genes or chromosomes, then these type of causes are known as genetic causes. यानी कि देखो, आप लोग सिंपली कह सकते हो कि जब हम लोग को यहाँ पे जेनेटिकली, यानी कि अपने पेरेंट्स वगैरह से ही जो है कुछ डिफेक्ट देखने को मिल जाता है अपनी सेल्स वगैरह में, तो उसको हम लोग यहाँ पे जेनेटिक कॉजेज के अंदर जो है क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे मेनली हमारे जो जीन्स होते हैं और जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं सेल के अंदर, तो उनके अंदर ही हमें यहाँ पे डैमेज या फिर डिफेक्ट देखने को मिलता है। अब ये भी यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे पहला हो गया डेवलपमेंटल डिफेक्ट, और दूसरा हो गया साइटोजेनिक, थर्ड हो गया सिंगल जीन, और फोर्थ हो गया मल्टी फंक्शनल इनहेरिटेंस। अब डेवलपमेंटल डिफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा देखो, जो भी डिफेक्ट हमारी फीटल लाइफ में हो जाता है, यानी कि जब यहाँ पे बेबी का बर्थ भी नहीं हुआ होता है, वो यहाँ पे फीटल स्टेट में होता है, अगर तभी उसके अंदर कुछ भी डिफेक्ट आ गया तो उसको हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंटल डिफेक्ट के अंदर क्लासीफाई करते हैं। और दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे साइटोजेनिक डिफेक्ट, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारी क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटीज होती है, यानी कि देखो ये यहाँ पे दो टाइप की हो सकती है, हो सकता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, यानी क्रोमोसोम का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उससे कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाए, या फिर न्यूमेरिकल भी हो सकता है, यानी कि क्रोमोसोम के नंबर्स भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे सिंगल जीन डिफेक्ट की, तो इसको हम लोग यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे देखो क्या होता है, जब यहाँ पे सिंगल स्पेसिफिक जीन के अंदर कोई भी डिफेक्ट आ जाता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे सिंगल जीन डिफेक्ट के अंदर क्लासीफाई करते हैं। और फिर आता है हमारे यहाँ पे मल्टी फंक्शनल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर,
यानी कि यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जो भी हमारे पेरेंट्स की जो भी डिसऑर्डर होते हैं, अगर वो भी हमारे जीन के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाते हैं बेबी में, तो उसको हम लोग यहाँ पे मल्टीफंक्शनल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर के अंदर क्लासिफाई करते हैं। यानी यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे पहली बात तो मल्टी मतलब बहुत सारी जीन यहाँ पे डिफेक्ट हो जाती हैं। और जैसे कि यहाँ पे मान लो आपके पेरेंट्स को कोई बीमारी हो और वो यहाँ पे जीन के थ्रू आपके अंदर भी चली आए, तो उसको हम लोग यहाँ पे मल्टीफंक्शनल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर के अंदर देखते हैं। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एक्वायर्ड कॉजेज के बारे में, तो यहाँ पे देखो अदर देन जेनेटिक देयर आर मैनी अदर एक्वायर्ड कॉजेज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इंजरी। अब यहाँ पे ये बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे पहला हो गया हाइपोक्सिया, इस्केमिया या फिर इसेमिया, और फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, माइक्रोबियल एजेंट्स, इम्यूनोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल, साइकोजेनिक, तो इन सबको हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करें हाइपोक्सिया और इसेमिया के बारे में, तो यहाँ पे देखो सेल्स ऑफ डिफरेंट टिश्यूज रिक्वायर ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई टू जनरेट एनर्जी एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। यहाँ पे देखो जो हमारी सेल है उसको ऑक्सीजन और यहाँ पे ब्लड की ज़रूरत तो पड़ती है, अगर यहाँ पे उसको एनर्जी को जनरेट करना है या फिर बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, हाइपोक्सिया और इसेमिया यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर होते हैं। हाइपोक्सिया में क्या होता है, हाइपोक्सिया इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, यानी ऑक्सीजन सप्लाई की कमी होना, और इसेमिया में क्या होता है, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, यानी यहाँ पे ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है। और दोनों ही केसेज यहाँ पे बोथ आर वन ऑफ द मेजर कॉजेज फॉर सेल इंजरी। अब देखो अगर ये दोनों की ही कमी हो जाएगी जिसकी सेल को इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो सेल के यहाँ पे इंटरनल इन्वायरमेंट चेंजेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली हमारी सेल जो है इंजर्ड हो जाएगी। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने फिजिकल एजेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे फिजिकल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी सेल इंजरी हो सकती है। अब जैसे इसमें पहला हो गया हमारे यहाँ पे मैकेनिकल ट्रॉमा, यानी कि मान लो अगर आप लोग का छोटा या फिर कोई बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है, तब भी अल्टीमेटली क्या होता है, हमारी बॉडी डैमेज होती है, और बॉडी डैमेज हो रही तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारी सेल डैमेज हो रही है, तो इसकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। और फिर थर्मल ट्रॉमा की बात करें, तो मान लो अगर आप लोग का कहीं पे बहुत ज़्यादा हीट यानी कहीं पे जल वगैरह गया है, या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड, आप लोग को बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है, तो वहाँ पे भी सेल डैमेज हो जाती हैं। या फिर जैसे हमारा करंट, मान लो किसी को करंट वगैरह लग गया, तो वहाँ पे भी सेल डैमेज होती हैं। और जैसे कि यूवी रेज की बात करें, तो कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि यहाँ पे यूवी रेज की मतलब इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जहाँ पे बहुत सारा रेडिएशंस होता है अल्फ़ा बीटा गामा का, तो उनको भी यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा सेल डैमेज का खतरा रहता है। और यहाँ पे अगर एटमॉस्फेयर में रैपिड चेंज होता है, यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है अगर वहाँ पे बहुत तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी कुछ कुछ जगह की सेल डैमेज हो जाती हैं। एंड अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने केमिकल एजेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है, जैसे कि केमिकल पॉइजनिंग, अगर मान लो साइनाइड वगैरह या फिर आर्सेनिक है, तो इसकी वजह से भी सेल इंजरी होगी। और अगर मान लो बहुत स्ट्रांग एसिड बेस है, जैसे कि हमारा HCl और NaOH है, आप लोग को पता है HCl हमारा बहुत स्ट्रांग एसिड है, NaOH बहुत स्ट्रांग बेस है, अगर उसमें डायरेक्टली हम लोग अपना हाथ वगैरह डाल देते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ की तुरंत हमारा हाथ तो जल जाएगा और वहाँ पे सेल डैमेज हो जाएगी, या फिर अगर इंटरनली कंज्यूम कर लिया तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और इन्वायरमेंटल पॉलेंट्स की बात करें, तो अगर जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स ऐसे कभी कभी हो जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो वो भी हमारी सेल को डैमेज कर सकते हैं। और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की बात करें, तो जैसे कि यहाँ पे जो फार्मर वगैरह होते हैं, तो उनको यहाँ पे कीटनाशकों का छिड़काव करना होता है, तो उनकी भी जैसे वो लोग जब डाल रहे हैं तो वहाँ पे मतलब जब डाल रहे हैं तो उनके हाथों में भी डैमेज हो सकता है, तो इसकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। और यहाँ पे बात करें अपने हाइपरटोनिक साल्ट के बारे में, तो आप लोगों ने अगर आइजोटोनिसिटी वाला लेक्चर देखा है, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारी बॉडी के लिए जो आइजोटोनिक सॉल्यूशन है वही सूटेबल होता है। अगर हाइपरटोनिक है, यानी कि अगर उसका जो कंसंट्रेशन है वो हमारे ब्लड से ज़्यादा है, तो भी नहीं ठीक है, और हाइपोटोनिक है तो भी नहीं ठीक है। तो अगर इस टाइप का कोई भी सॉल्ट है, सॉल्यूशन है, तो वो भी हमारी सेल को डैमेज कर सकता है। और फिर अल्कोहल, निकोटीन, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें तो हमारी बॉडी को डैमेज करती ही हैं। देखो कोई भी चीज़ है वो बॉडी को डैमेज कर रही है, तो अल्टीमेटली सेल को डैमेज कर रही है, बस आप लोग सिंपली इतना समझो। और माइक्रोबियल एजेंट्स की बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के माइक्रोबियल एजेंट्स, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, ये सब क्या करते हैं, ये सब यहाँ पे सेल्युलर फंक्शंस में डिफेक्ट कॉज करते हैं, यानी कि सेल के फंक्शंस में गड़बड़ी करते हैं, और सेल के फंक्शंस में चेंजेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल इंजरी हो जाएगी अल्टीमेटली। और फिर इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स की बात करें, तो देखो जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वैसे तो क्या करता है, वो हमारी बॉडी के मतलब फेवर में ही काम करता है, हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ हमारी जो इम्यून रिस्पॉन्स रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि हमारा हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गया,
देखो यहाँ पे आप लोग ऐसे समझो कि कभी कभी आप लोगों ने वो वाला केस सुना होगा ना, हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह का। तो जैसे किसी दूसरे का हार्ट जब हम लोग यहाँ पे किसी दूसरे में फिट करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, वो पहचानता नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो यहाँ पे उसके प्रति जो है एंटीबॉडीज़ को यहाँ पे डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से भी हमारी सेल इंजरी हो जाती है। और न्यूट्रिशनल रीअरेंजमेंट्स की बात करें तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ बहुत कम है तो भी नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा है तो भी हमारे लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी और एक्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स में लीड टू न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस विच अल्टीमेटली कैन कॉज सेल इंजरी। यानी कि देखो, अगर मान लो कुछ भी हमें जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो कमी की वजह से देखो क्या होता है, एनीमिया वगैरह हो जाता है ना। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो एनीमिया हो जाता है। और एक्सेज में बात करें तो अगर बहुत ज़्यादा ही मान लो आप लोग को फैट वगैरह मिलता जा रहा है तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, यानी मोटापा वगैरह दिखने को मिल जाता है। और साइकोजेनिक डिसऑर्डर्स की बात करें तो यहाँ पे देखो, साइकोजेनिक डिफेक्ट्स लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ड्रग एडिक्टनेस लाइक एल्कोहल स्मोकिंग लीड्स टू सेल इंजरी। यानी कि देखो, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, डिप्रेशन वगैरह में हो, और यहाँ पे अगर मान लो अल्कोहल या फिर स्मोकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी अल्टीमेटली सेल इंजरी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे ये कुछ हमारे मेजर कॉजेस थे सेल इंजरी के। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सेक्शन में बताना। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।